भगवान शंकर को पकड़ना है। गंधर्व हो, देवता हो, दानव हो, जो भी लोग हैं, हम लोग आदमी की वैल्यू देख करके स्वागत करते हैं। कोई बड़े लेवल का आए तो मिठाई भी, काजू भी, बर्फी भी, आहा हा। और कोई थोड़ा छोटे लेवल का आए, नमकीन बिस्कुट, हाँ। और कोई एकदम छोटे लेवल का, चाय पी लो, केवल चाय। और कोई घर का काम बनाने वाला है, भैया पानी पियोगे? पहला आचरण तो यही सीखो, घर में जो आ रहा, अतिथि देवो भवः, वो भगवान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हमने अपने गुरुजी से सीखा, हमारे गुरुजी ने हमें कहा था, बेटा व्यास पीठ पर जो आ जाए मंच के पास में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, नेता हो या अभिनेता हो या किसी घर का एक साधारण सा व्यक्ति हो, व्यास पीठ पर वो उतना ही सम्माननीय है जितना भारत का सब। बोलो दूसरा, दूसरी शिक्षा भगवान शंकर से क्या लो? जीवन में बैलेंस बनाओ। क्या बनाओ? जोर से बोलो। अगर पत्नी खतरनाक है तो पति को शांत हो जाना चाहिए, और अगर पति थोड़ा तेज है तो देवी जी हमको भी थोड़ा। अब इस तरफ से भी मिसाइल छोड़ें और उस तरफ से भी शांति नहीं है। माता जी शांति तुम्हारी पड़ोसन को नहीं देनी है, शांति तो तुमको ही लानी पड़ेगी। एक अगर गर्म मिजाज के हैं तो दूसरे को ठंडा मिजाज में रहना चाहिए। पिछली बार जब हम कथा में आए थे, 2 साल हो गए, कितने साल हो गए जब हम पिछली बार आए थे, तो हमको मूसा खेड़ी की चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई मिली। अगर हमारी सासू माँ बहुत भागवत पुराण सुनाती है, हमका क्या हो जाता? बोले महाराज जी जैसे ही हम घर जाते बहुत उल्टा सीधा बोलने लगती, बड़ी पंडिताइन बनी घूम रही, बड़ी पुजारनी बड़ी घूम रही, बाबाओं के पीछे लगी रहती, काम धाम करना नहीं, उठाई माला और लिए ठाकुर जी और चल दी। हम मर रहे काम करते करते, महाराज हमसे भी नहीं रहा जाता, हम भी सुना देते हैं 4-6 चौकी चौकी। महाराज हमने सुना आप पे तो बागेश्वर हनुमान जी की बहुत कृपा है, बहुत चमत्कारी हो, हमारा कराना। वो पानी की बोतल लाई, शक्कर लाई, हमने शक्कर घोली, थोड़ा मंत्र लगाया फूंका फाका, ओम गुटुम नम नम नम, जय बजरंग बली बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा, जय हो महाकालेश्वर भैरव बाबा, चंडी माता, दुर्गा माता, काली माता। हमने बोतल दे दी, लो घर जाना, मकान में प्रवेश करते ही एक ढक्कन मुंह में रख लेना। शर्त ये है गले से अंदर गिरने ना पाए, काली माता का मंत्र है, श्राप लगेगा, पाप। महाराज वो गई और सासू माँ तो रोज का प्रवचन सुनाती थी अग्नि पुराण, जैसे ही प्रवचन गाली उसने दी सासू माँ ने, तो ये भी देने ही वाली थी, तब तक वो पानी याद आ गया, एक ढक्कन मुंह में डाला। अब कुछ नहीं आई, बोलना तो बहुत चाह रही, पर गुरुजी ने कहा था पीना है नहीं। दिन तो सासू माँ ही बोली, एक बात बता आजकल कौन बाबा की कथा सुन रही है? क्या क्या? घर में बैलेंस बना कर रखना। शंकर जी बैलेंस कैसे बना के रखते जरा देखिए, शंकर के गले में सांप और गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो बोलो बोलो। और सांप किसको खाता है? लेकिन दोनों एक ही घर में रहते हैं, बैलेंस देख लो। अच्छा शंकर जी का एक बेटा है कार्तिकेय, कार्तिकेय का वाहन है मयूर, क्या है? और शंकर जी के गले में क्या है? सांप, नंदी बैल। और माता पार्वती जी का वाहन क्या है? शेर। दोनों की कितनी खतरनाक दोस्ती है, लेकिन दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं। यह भोले बाबा का बैलेंस देख लो। भोले बाबा से तीसरी बात सीखो, भैया जहर उगलना नहीं चाहिए, जहर तो निगलना चाहिए। जहर का मतलब पॉइजन नहीं है कि तुम कल के दिन पॉइजन पी जाओ, कि कहो बागेश्वर वाले महाराज जी ने कथा सुनाई थी ऐसी हमको, ना जी ना जी ना, ये जहर